फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरा कुछ तबीयत बिगड़ गया है। मुझे कल दिन भर पेट में दर्द, उल्टी और बुखार सब हो गया था। तो अभी कल रात को मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे दिखाई डॉक्टर से। और मुझे अभी ऐसा हो रहा था ना कि ऐसे 10-15 दिन में एक बार फीवर आ जाना, नहीं तो रोज़ ऐसा हो जाता था कि वो पेट फूलना, ये सब मेरा हो रहा था अभी। लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन कल कुछ ज़्यादा हो गया। और कल मैं दिन भर सोई रह गई, कुछ खाना नहीं, कुछ घर का काम नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ये शाम को आया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। रात को लगभग तभी मैं 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के बाद आसपास मैं डॉक्टर के पास गई। तो वहाँ पे गई तो उनको बोली कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर बोली कि आपको शरीर में खून का कमी है, इसके वजह से आपको बार बार ही बुखार आ जाता है। मुझे थोड़ा भी हरासमेंट हुआ, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया तो भी फीवर आ जाता है। फिर थकान ज़्यादा होती है, थोड़ा चढ़ने के बाद दम लगना नहीं क्या, वो भी होता है बार बार। तो मैं वही बोली थी। तो डॉक्टर बोली कि नहीं, आपके शरीर में खून का कमी है। तो अभी वो दवा वगैरह दी है, खून बढ़ने का भी दवा दी है। तो वो सब दिखा के मैं वहाँ से दवा लेके आ गई। और कल दिन भर कुछ खाई नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि खाना वगैरह का भी इतना बास आ रहा था। और दिन भर पूरा सोई थी। और वही होता है ना अभी, क्या तो मुझे तो लगता है कैसे बोलते हैं डॉक्टर कि आपके शरीर में खून का कमी है। क्योंकि मेरा अच्छा खासा शरीर है, मैं देखती हूँ कि किसी को बोलूँगी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि हाँ बाबा इनके शरीर में खून की कमी होगी। तो मैं ये बात मैं डॉक्टर को भी बोली थी। तो डॉक्टर बोली नहीं, ऐसा नहीं रहता है कि हाँ आपका शरीर अच्छा है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, आपको खून की कमी नहीं होगी, ऐसा नहीं रहता है। तो अभी मैं रात को गोली लेके आई, रात से खा रही गोली। अच्छा लगा थोड़ा सा, अभी तबीयत ठीक है मेरा आज। तो मैं सोची कल तो मैं कुछ वीडियो ही नहीं बनाई थी, और आज सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो आज एक जाना था लेकिन नहीं डाल पाई मैं। और वही ना होता है ना, औरत हर घर में होता होगा, हर औरत के साथ होता है कि आप एक दिन बेड पकड़ लो, एक दिन बेड पे चले जाओ तो लगता है कि पूरा घर ही रुक गया है, स्टॉप हो गया। क्योंकि कल मैं खाना नहीं पकाई, काम जो है अपना रेगुलर काम, सारा काम मेरा रह गया। तभी भी मेरा बेटा है, इंसान है, बहुत मदद करता है मुझे। और कल उसको जितना हो पाया वो किया, वो झाड़ू मारा, पोछा मारा, पानी भरना पड़ता है यहाँ पे पीने के लिए, और पानी भरा, सब वही किया। तो उससे जितना हो पाता उतना सब किया। और अब मैं तो कल दिन भर बिल्कुल नहीं उठ पाई। और ऐसा लगता है आप सोए रहो, आपको बीमार पड़ गए तो ऐसा लगता है ये गंदा हो, वो गंदा है। थोड़ा सा शरीर काम नहीं करता है लेकिन मन करता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि वो सब दिखने लगता है आपको कि हाँ ये बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, इधर किचन ओटा पे गैस गंदा हो गया है, ये गंदा हो गया, ऐसा हो जाता है। और मुझे लगता है सब औरतें के साथ होती होगी, हर लेडीज के घर में होता होगा। तो वही हो गया। अभी सुबह कल रात को मैं डॉक्टर के पास से आई तो खाना वगैरह खा के दवाई खाई, तो मुझे सुबह थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा मतलब पेट वगैरह दर्द वगैरह कम हो गया, उल्टी वगैरह नहीं हो रही है। तो अभी मैं, लेकिन वो एक दिन भी बीमार पड़ जाओ तो वीकनेस हो जाती है। तो आज मुझे वीकनेस है, फिर भी मैं सुबह से उठी हूँ तो मैं पहले 6 बजे से ही उठ के काम करने लगी हूँ। ये बोल रहे थे कि मत करो ऐसा, अभी रेस्ट करो। और हाँ कल वो मैं डॉक्टर के पास से आ रही थी तो पूरे रास्ते वो डांटते हुए मुझे लेके आ गए। वो मुझे बोल रहे थे कि तुमको बोलते हैं टाइम पे खाना खाओ, तुम ये टाइम पे अपना फ्रूट्स वगैरह है वो सब करो, जिससे कि अभी क्या ये इतने कम उम्र में क्या खून की कमी होता है क्या। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपका इतना उम्र है फिर खून की कमी वगैरह नहीं होना चाहिए ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो आप खाना खाते हैं, ये सब करते हैं कि हवा पे चलते नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो पूरे रास्ते मुझे बोल रहे थे अभी तू अच्छे से सब टाइम पे खाना खाती है करती, तो अभी तुझे डॉक्टर के पास जाने की गरज नहीं होती। हम इतने जाते हैं वहाँ पे, इतने खर्च करके आते हो, आप अपने ऊपर खर्च करो, किया करो, अपना शरीर पे ध्यान रखा करो, स्वस्थ रहेगी तो सब अच्छा है। सब मुझे बोलते हुए पूरे रास्ते आगे वो मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, मुझे थोड़े पता था कि ये सब ऐसा है। तो अभी कल आज मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। कल सुबह से मैं सारा काम भी करी, सब कल का काम से निपटाई करी, साफ सफाई करी कि थोड़ा सा दिमाग चेंज हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। और आज भी साल के स्कूल में भी जाना था, उसको कुछ फॉर्म भरना था तो वहाँ भी जाना था, इनको टाइम नहीं था तो मैं ही गई थी और उसका फॉर्म वगैरह भर के आई वहाँ से। और मैं ना आलू लेके रखी हुई हूँ, 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से मैं आलू लेके रखी हूँ। और मुझे चिप्स बनाना है, वो नहीं क्या पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मुझे चिप्स बनाना है। तो अभी पिछले बटाटा और साबुदाने का भी मैं बनाई थी। तो अभी 5 दिन हो गया मैं आलू लेकर रखी और रोज़ सोच रही है आज शाम को इसको छील के काट के रखूँगी, सुबह सुबह बनाऊँगी। तो रोज़ नहीं हो रहा है सोच सोच के, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा आलू। तो मैं आज सोच रही कि उसको काट के रख देती हूँ। तो अभी आज शाम को मैं वो भी, तो मुझे डॉक्टर ने दवा दी है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये सब दवा दिए हैं डॉक्टर ने, एक खून का है, ये खून बढ़ने का है, 1 महीने तक की गोली है खाने के लिए। 1 महीने खाने के बाद फिर देखेगी गोली, खून टेस्ट वगैरह करके देखेंगे। तो ये खून का दवा दिया है। और इसमें पेट का है, जो पेट में दर्द हो रहा है ये सब है। और एक सिरप है जो कि ये सिरप है, तो ये एक दिया है। कभी खा रही हूँ रात से। और आज मैं ड्रेस भी नहीं पहनी हूँ, दिन में नाइटी पहनी थी, नाइटी पे ही आ गई हूँ मैं आज। मुझे मन नहीं था आज चेंज करने का कपड़े वगैरह, मैं बोली चलो ऐसे ही वीडियो चालू कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ 2 घंटे बाद, मैं चिप्स का जो कट करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी शाम के लगभग 5:30 का टाइम था और मैं जो आलू ली थी सब आलू लेके बैठ गई हूँ छीलने के लिए। जो मुझे चिप्स बनाने हैं आलू के 4-5 दिन पहले ही लेके रखी थी। तो अभी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मैं बोली पहले अभी इसको बना लेती हूँ। तो रात को ही इसको मैं छील के और उसको घिस के, घिसनी से, और उसको पानी में डाल के रख दूँगी, तभी सुबह बनाने में ठीक रहता है। तो इसलिए अभी सारा आलू मैं छील लेती हूँ, छीलने के बाद तभी मैं इसको घिसूँगी। तो ये देखिए मेरा आलू छिल के हो गया है। तो यहाँ मेरा आलू छिल के हो गया और छिलने के बाद ये आ गए हैं ये घिसने के लिए उसको, क्योंकि मैं आलू छिलते छिलते पूरा ये हो गई थी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। तो फिर बोले कि रहने दो मैं घिस देता हूँ पहले। तो वो बोलने लगे आज ही करना था क्या, तुझे तबीयत नहीं ठीक था तो क्यों चालू कर दी ये सब करने के लिए। फिर मैं बोली नहीं पहले से लेके रखी थी तो ख़राब हो जाता। तो ये घिसने लगे और ये सारा आलू यही घिस के रख दिए, तो मदद कर दिए मेरा। तो ये देखिए मेरा पूरा आलू घिस के हो गया है तैयार। तो मैं इसको पानी में डालकर और ऐसे ही रात भर छोड़ दूंगी, क्योंकि पानी नहीं डाली इसमें तो ये जो आलू है वो काला पड़ जाता है। तो इसलिए मैं इसको पानी में डालकर और पूरे रात छोड़ दूंगी, फिर सुबह मैं इसको पानी में उबालूंगी। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ ये चिप्स बनाने के लिए। तो जो मैं पानी में सब आलू डाली थी काट के रात को, वो सब निकाल के मैं छान ली हूँ पानी से। और यहाँ पे गैस पे मैं डाल दी हूँ पानी उबालने के लिए, और इतना पानी डाली हूँ जिस कि इसमें जो चिप्स है वो जो आलू काट के रखी वो पूरा डूब जाए। और उसके बाद इसमें डाल दी हूँ नमक, जितना नमक लगता है, क्योंकि धूप में डालने के बाद थोड़ा बोलते हैं कि नमक उड़ भी जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डाली हूँ। और उसके बाद ये पानी पूरा उबाल आने तक इसको अभी गैस पे छोड़ूंगी, ये पानी में पूरा उबाल आना चाहिए तब मैं इसमें आलू का चिप्स डालूँगी। तो अभी इसको छोड़ देती हूँ। और ये देखिए मेरे पानी का उबाल आ गया है पूरा अच्छे से। तो अभी मैं जो आलू का चिप्स है वो मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ही उबालूँगी। तो चेक करने के लिए इसको आप ऐसे दबा के थोड़ा सा चेक कर सकते हो, जब ये आलू टूटने लगे। तो तैयार हो गया चिप्स। अभी मेरा चिप्स हो गया था, तो मैं उसको छान के पानी से निकाल के और आ गई हूँ यहाँ पे छत पे डालने के लिए। तो यहाँ पे एक बेडशीट में डाल दी हूँ नीचे में, और वहाँ पे मैं विशाल दोनों मिलके और इसको डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा डालने में इसको टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पे डाल दूँगी और ये 2 दिन सूखने के बाद हो जाएगा तैयार। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को तल के दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखना है, तला हुआ इस चिप्स देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबाइए और उससे ऑल पे सेट करिए, जिससे कि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।